आपने बैंक लॉकर लिया हुआ है या लेने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको काम की है। अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2023 से लॉकर से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में मनमानी नहीं कर सकेंगे और ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे। SBI और PNB समेत अन्य बैंकों ने ग्राहकों के SMS के जरिए नए नियमों की जानकारी देनी शुरू कर दी है। बैंक 1 जनवरी 2023 के मौजूद लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार का नवीकरण करेंगे। उल्लेखनीय है कि बैंक लॉकर करार नीति के तहत किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ करार करता है, जिसके बाद लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है। विदित मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर किरायेदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दी जाती है, जबकि करार की मूल प्रति बैंक के उस शाखा के पास रहता है जहां लॉकर की सुविधा ग्राहक को दी गई होती है। RBI ने कहा है कि बैंकों को खाली लॉकर की सूची और लॉकर की प्रतीक्षा सूची संख्या दिखानी होगी। साथ ही बैंक के पास अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए लॉकर का किराया एक बार में लेने का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए यदि लॉकर का किराया 1,500 रुपया है तो बैंक को अन्य रख रखाव शुल्कों को छोड़कर आपसे 4,500 रुपये की अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं। रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के अनुसार बैंक को यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर के करार में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं है। RBI ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है क्योंकि कई बार बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। इसके अलावा बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंधन की शर्त आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होगी। SBI के मुताबिक बैंक लॉकर का शुल्क क्षेत्र और लॉकर के आकार के आधार पर 500 रुपये के लेकर 3,000 रुपये तक है। बड़े शहर और महानगरों के बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकर के लिए 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 12,000 रुपये सालाना शुल्क लेते हैं। वहीं अर्ध शहरी और ग्रामीण स्थानों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए 1,500 रुपया, 3,000 रुपये, 6,000 रुपया और 9,000 रुपये शुल्क लेता है। अधिकृत और पर लॉकर खोले जाने की स्थिति में दिन खत्म होने के पहले बैंकों को ग्राहकों को पंजीकृत मोबाइल, ईमेल पर उसकी तारीख, समय और कुछ जरूरी कदम की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। RBI ने दिशा निर्देश में यह भी कहा है कि लॉकर की नई व्यवस्था की जानकारी हर ग्राहकों को SMS के माध्यम से दी जानी अनिवार्य है, जिससे ग्राहक पहले से जागरूक रहे। इसके अलावा जब भी आप लॉकर का उपयोग करेंगे आपको बैंक के जरिए ईमेल और SMS के माध्यम से सतर्क किया जाएगा। सामान्य तौर पर बैंक अक्सर यह कहते हुए चोरी के मामलों से बच निकलते हैं कि लॉकर के अंदर रखे किसी भी सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि बैंक जवाबदेही से इनकार करते हैं। ग्राहक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होते हैं। जनवरी 2022 के बाद बैंक लॉकर के सामान के खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी देनदारी से नहीं बच पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी। RBI के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपना यहां सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक में किसी कमी या लापरवाही की वजह से आग, चोरी, डकैती जैसे मामले नहीं हों।